गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? यानी कि चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है। नेम क्या है? द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो किस तरीके से, उसके अंदर क्या कंपोजिशन है, कौन कौन लोग यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके वर्क और फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या कंपोजिशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं। एग्जीक्यूटिव्स माने कौन होते हैं बेटा? देखो, तीन होते हैं। जो हमारी जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में तीन पिलर्स होते हैं। पार्लियामेंट की पिलर्स कितने होते हैं ना? पार्लियामेंट पिलर्स कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं बेटा। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। क्लियर है? लेजिस्लेचर कौन सा होता है? जो लॉज बनाते हैं। लेजिस्लेचर कौन होते हैं बेटा? जो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? कि जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, जो उन लॉज को लागू कराते हैं समाज के, सोसाइटी के अंदर। और जुडिशरी कौन से होते हैं? उन लॉज को जो चेक करती है। क्लियर है? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, हम लोग इन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ जो लॉज बनाए जाते हैं उन लॉज को किस तरीके से क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर लागू किया जाता है। क्लियर है? तो वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कौन से एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कंपोजिशन पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। कंपोजिशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कंपोजिशन है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स का, वो दो को मिलकर बना हुआ है। पहला है प्रेसिडेंट। पहले कौन है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या है? कंस्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कंट्री का कंस्टिट्यूशनल हेड, या कंट्री का कंस्टिट्यूशनली, यानी कि संवैधानिक तौर पर जो कंट्री का हेड बोला जाता है वो किसको बोला जाता है बेटा? प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट इज द कंस्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री या स्टेट। क्लियर है? स्टेट का मतलब यहाँ किससे बेटा? कंट्री से। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। दूसरा कौन है? द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिएगा सीधा सीधा कि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेडिंग करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव्स में होते हैं, उनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर है? अब देखते हैं, हम सबसे पहले उठाते हैं किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट अगर मुझे बनना है या आपको बनना है तो आपके पास में प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, फिर उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन हमें ज़रूरी है, किस तरीके से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो होता है वो होता है हमारा कौन? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्लियर है? आगे देखते हैं। ऑल ऑर्डर्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी ऑर्डर किए जाते हैं बेटा, आपको मैं बता दूँ वो किसके नाम से पास होते हैं? वो हमेशा प्रेसिडेंट के नाम से पास होते हैं बेटा, है ना? तो ऑल ऑर्डर्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव आर इशूड, यानी कि उनको इशू किया जाता है किसके नेम पर? इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव आर इशूड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पर सारे ऑर्डर्स क्या किए जाते हैं? इशू किए जाते हैं। आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हेड ऑफ द स्टेट, मैं पहले बता दिया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द संविधान, हमारा कंट्री का हेड किसको बोला जाता है? हमारा कंट्री का हेड बोला जाता है प्रेसिडेंट को। क्लियर है? इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन, कि अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है या आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है? कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए। कहाँ का? इंडिया का। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा,
नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स इन एज, एज उसकी कितनी होनी चाहिए, 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कितनी एज होनी चाहिए उसकी, 35 साल से अबव, तो नॉट बी लेस देन आर 35 ऑफ ऑन एज। तीसरा क्या है, क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा, उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो इतनी क्वालिफिकेशन को क्लियर होना चाहिए कि वो लोकसभा का एक मेंबर बन सकता है। समझिए इसको कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए, वही सारी क्वालिफिकेशन किसके लिए भी चाहिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए भी चाहिए। तो ये यही कह रहा है, क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग, यानी कि वो कितना क्वालिफाइड होना चाहिए टू बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा, कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके। इसके अलावा शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, यानी कि शुड नॉट, वो क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट होल्ड, क्या नहीं होल्ड करना चाहिए वो, कोई भी ऑफिस या प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया इसका, इसकी क्वालिफिकेशन हो गई कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है चाहिए। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, क्या आप लोग इलेक्शन करते हैं, आप लोग कभी वोट करने गए हैं प्रेसिडेंट के लिए, नहीं जाते। हम लोग किन के लिए जाते हैं, एमपीज के लिए, एमएलएस के लिए वोट करते हैं। तो जो हम लोग एमपीज और एमएलए के लिए जो वोट करते हैं उनको बोला जाता है डायरेक्ट इलेक्शन। आपने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं, अभी 2019 में हुए थे, तो लोगों ने किन के लिए वोट किया था, एमपीज के लिए, या हम लोग जब वोट करते हैं तो किन के लिए करते हैं, एमएलएस के लिए। हम क्या कभी सुना है कि हम प्रेसिडेंट के लिए वोट करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हम प्रेसिडेंट के लिए वोट कभी नहीं करते। प्रेसिडेंट का फिर इलेक्शन कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली वे से होता है, मैं समझाता हूँ कैसे। तो इलेक्शन प्रोसेसर देखते हैं, इलेक्शन प्रोसेसर, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं किनके द्वारा, लोगों के द्वारा, इलेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रल कॉलेज, किसके द्वारा, इलेक्ट्रल कॉलेज। इलेक्ट्रल कॉलेज क्या होता है वो समझिएगा, कि जैसे कि ये क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे एमएलए एमपीज के चुनाव किस तरीके से होते हैं, कि एमएलए एमपीज के चुनावों में जो पीपल्स होते हैं उस कंटिजेंसी के, वो लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। क्लियर है, जिसने यहाँ से एक एमपी खड़ा हुआ, यहाँ पे एक एमपी खड़ा हुआ, यहाँ पे एक एमपी खड़ा हुआ, यहाँ पे एक एमपी खड़ा हुआ, क्लियर है। अब इनको हमने क्या किया, वोटिंग की, क्लियर है। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको क्या बोला, उसका क्या माना जाता है, उसको ही इलेक्टेड माना जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के मामले में ऐसा नहीं होता है, प्रेसिडेंट के मामले में क्या होता है कि आपको जो वोट देने होते हैं वो इन चारों को वोट देंगे, लेकिन अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देंगे। तो एक अलग सिस्टम होता है, इस अलग सिस्टम को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रल कॉलेज बनाया जाता है। बड़ी क्लासेस में इसके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा, इलेक्ट्रल कॉलेज क्या होता है, क्लियर है। आगे देखते हैं, इलेक्टेड में कौन इलेक्ट, वो वोट कौन करता है, वोट कौन करता है प्रेसिडेंट के लिए, क्लियर है। तो देखते हैं प्रेसिडेंट के लिए वोट कौन करता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, वो सारे मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं, वोट करते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। एंड एम एल एज ऑफ द स्टेट, और इसके अलावा और कौन करता है प्रेसिडेंट के लिए वोट, जो एम एल एज होते हैं स्टेट्स के, वो भी इसके लिए क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो इलेक्शन प्रोसीजर में क्या समझ में आया, कि इसको इनडायरेक्टली वे से लोगों के द्वारा चुना जाता है, दूसरा इनका जो सिस्टम है उसको, सिस्टम को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रल कॉलेज बोला जाता है। तीसरा क्या है कि इनके लिए कौन वोट करता है, तो जो मेंबर्स होते हैं बोथ ऑफ द हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा वोट किया जाता है, जिनको हम लोग एमपीज बोलते हैं। इसके अलावा जो एमएलएज होते हैं, उन एमएलएज के द्वारा भी इसको वोट किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट की टर्म्स कितनी होती है, टॉपिक से हमारा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होती है, टर्म यानी कि समय कितना रहता है, समय काल कितना रहता है, अगर एक बार भी कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन गया तो कितने समय तक प्रेसिडेंट रहता है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो अगर वो प्रेसिडेंट है और उसकी टर्म कितनी है, टर्म फॉर 5 ईयर्स, यानी कि वो कितने साल तक रहता है, 5 साल तक। अगर एक बार कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन गया तो व्यक्ति अपने पद पर कब तक रहता है, 5 साल तक रहता है, क्लियर है। अब जब 5 साल उसकी खत्म हो जाती है तो वो दोबारा से इलेक्शंस में क्या हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इलेक्शंस के एक बार अगर वो री इलेक्शंस हो रहे हैं तो री इलेक्शंस में भी क्या हो सकता है, स्टैंड कर सकता है। तो देखिएगा, ही स्टैंड फॉर री इलेक्शन फॉर द अनदर 5 ईयर्स, अगली 5 सालों के लिए वो क्या कर सकता है, स्टैंड कर सकता है, इलेक्शंस में खड़ा हो सकता
है। पॉइंट समझ में आ गया। टर्म की बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम कि राष्ट्रपति का शासनकाल कितना रहता है या टर्म कितनी रहती है, 5 ईयर्स रहती है। और मैं कहूँगा कि अगर कि क्या क्या एक प्रेसिडेंट दोबारा से रीइलेक्शंस में स्टैंड हो सकता है अनदर 5 ईयर्स के लिए, तो यस वो क्या कर सकता है, रीइलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है अगले 5 सालों के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में देखा, प्रेसिडेंट क्या होता है, उसके उसकी टर्म्स क्या होती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके लिए प्रोसीजर क्या है, क्लियर है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्लियर। हम लोगों ने ये चीज़ देखी। अब हम देखते हैं उसके पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में, हम लोग देखते हैं हम प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं और उसके काम क्या क्या होते हैं, क्लियर है। तो पावर्स एंड फंक्शंस, ही इंजॉय अ नंबर ऑफ पावर्स, यानी कि बहुत सारी पावर्स होती है किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट हैव अ न्यूमरियस पावर्स, क्लियर है। तो उसमें से कुछ पावर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहली जो पावर्स है हमारी वो है एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन। एग्जीक्यूटिशन करने में उसकी पावर्स क्या है और उसके काम क्या क्या है एग्जीक्यूटिव करने के लिए, क्लियर है। तो पहला क्या है, ही इन्फोर्स द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा जो लेजिस्लेचर होती है हमारी, उसके द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो कानून बेटा कब तक कानून नहीं बनते हैं, जब तक उस पर किसके साइन ना हो, प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, एक तरीके से उनको इन्फोर्स करता है उन लॉज को जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ही इन्फोर्स द लॉज, वो क्या करता है, इन्फोर्स करता है उन लॉज को, लागू कराता है कौन से लॉज को, पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, पास किए जाते हैं। तो पहला काम समझ में आ गया, इसका पहला फंक्शन समझ में आ गया। दूसरा फंक्शन क्या है कि ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। देखिएगा, जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होने के बाद में जो पार्टी के MPs ज़्यादा होते हैं, उस पार्टी के हेड को क्या बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। उसके हेड को क्या चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाने का काम या उस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड आल्सो द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, ये सबको कौन शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट। देखिएगा, इन सबको भी अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। देखिएगा, समझिएगा क्या होता है कि इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस होने के बाद में यहाँ से एक MP गया, यहाँ से एक MP, ये सारे MPs हैं जो क्या हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, जो जीत गए हैं, क्लियर है। अब ये MPs क्या करेंगे, अपना एक हेड चुनेंगे, यानी कि इन्होंने इसको हेड चुन लिया मान लेते हैं, थे ना। अब इस हेड को शपथ दिलाने का, अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का, क्लियर है। प्रेसिडेंट इसको तो अपॉइंट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको भी क्या कराएगा, शपथ दिलाएगा, किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि इसको डिफेंस मिनिस्ट्री दो, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दो, ये कौन बताएगा, प्राइम मिनिस्टर, क्लियर है। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट क्या करता है, अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है, क्लियर हुआ। तीसरा है अपॉइंट एंड रिमूव, अपॉइंट भी कर सकता है और इनको हटा भी सकता है, रिमूव भी कर सकता है, किनको, ऑल द हाई ऑफिशियल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी हाई ऑफिशियल ग्रेड के लोग होते हैं, उन सभी लोगों को, जो हाई ऑफिशियल रैंक पर जो पीपल्स होते हैं, उन सबको क्या कर सकता है, ये अपॉइंट भी करता है और साथ ही साथ क्या करता है बेटा, साथ ही साथ उनको रिमूव भी कर सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से लोग हैं हाई ऑफिशियल्स रैंक्स पर। देखिए, अपॉइंट एंड रिमूव ऑल द हाई ऑफिशियल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट लाइक अ चीफ जस्टिस। जैसे कि हमारे देश का जो चीफ जस्टिस होते हैं, इस चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हमारे, उनको अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का, और उनको हटाने का काम भी किसका है, प्रेसिडेंट का, क्लियर है। जितने भी हमारे एम्बेसडर होते हैं, उन सबको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट्स के गवर्नर्स होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जैसे कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, जितने भी पब्लिक चेयरमैन होते हैं, ये सबको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। क्लियर समझ में आ गया, यानी कि जितने भी हाई ऑफिशियल रैंक्स के पीपल्स होते हैं, हाई ऑफिशियल्स पर जो लोग होते हैं, उनको, लोगों को जो सिविल सर्विसेज में होते हैं, IAS वगैरह, PCS वगैरह जो होते हैं, इन लोगों को अपॉइंट करने का नाम किसका है, प्रेसिडेंट का, क्लियर है।
प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इनको अपॉइंट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। मैं आपको और बता दूं बेटा कि जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का जो मेन कमांडर है, जो मेन कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही ये डिक्लेयर करता है कि कब हमको वार करना है, कब किसके साथ पीस ऑफ ट्रीटी करनी है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेज है, उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है? हमारा प्रेसिडेंट है। इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज होती है बेटा, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता होगा इंडिया के अंदर कुछ क्या हैं, स्टेट्स हैं, 27 क्या स्टेट्स हैं, उसके अलावा क्या कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यूनियन, आपको पता होगा यूनियन टेरिटरीज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। तो जब इनके अंदर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है तो ये किस तरीके से चलाई जाती हैं? तो इनको डायरेक्टली कौन चलाता है? प्रेसिडेंट। यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन को डायरेक्टली कौन चलाता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इज डायरेक्टली अंडर हिज। क्लियर है? उसके अंडर में होती है ये। आगे देखते हैं, ये कैसी पावर्स थी इसकी, ये कैसे फंक्शंस थे बेटा, ये पांचों एग्जीक्यूटिव पावर्स थी इसकी। ये कैसी पावर्स थी? एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब हम इसकी देखते हैं क्या जुडिशियल पावर्स, न्याय के रूप में इसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, जुडिशियल कौन कौन सी पावर्स इसके पास में होती है। तो ग्रांट ऑफ पार्डन, ये क्या कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन कर सकता है, किसी को माफ कर सकता है। और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ एनी कॉन्विक्ट पर्सन, यानी किसी व्यक्ति को अगर कोई सजा मिली हुई है तो उस व्यक्ति को ये माफ भी कर सकता है और उसकी सजा को कम भी कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। यानी कि अगर आप, अगर किसी व्यक्ति को सजा कोर्ट से क्या हो गई है, सजा हो गई है, और वो व्यक्ति को लगता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको माफ़ होना चाहिए, वो तो वो क्या करेगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेगा। अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो क्या कर सकता है? उसकी सजा को माफ भी कर सकता है और उसकी सजा को कम भी कर सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे देखते हैं दूसरा, इन केस ऑफ क्वेश्चन और अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए मैटर है, कोई पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक की अच्छाई के लिए कोई मैटर है, तो क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट ही कैन आस्क फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है कि हमें पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ऐसा क्या करना चाहिए। समझ लिख के चलिए, कि मान के चलिए देश के अंदर कोई ऐसा मैटर हो गया जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रेसिडेंट क्या करेगा? एडवाइस लेगा किससे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि हमें इस मैटर में क्या करना चाहिए। बट लेकिन नो बाइंडिंग टू एक्सेप्ट, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसको ओपिनियन तो देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट उनकी ओपिनियन को माने ही माने, वो उसके लिए बाइंड नहीं है। क्लियर समझ में आया बेटा? आगे देखते हैं, हम लोग प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, और पावर्स एंड फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने प्रेसिडेंट की हमने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स देख ली थी और जुडिशियल पावर्स देख ली थी। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो कौन सी पावर्स देखने वाले हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस। क्लियर है? हम उसकी कौन सी पावर्स देखने वाले हैं बेटा? लेजिस्लेटिव पावर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्या है? समन एंड प्रोड्यूस द सेशन ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी जो पार्लियामेंट होती है, यानी कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों की सम्मन, यानी कि उनकी मीटिंग बुला सकते हैं, उनकी मीटिंग्स को कौन कर सकता है? बुला सकता है कभी भी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कभी भी लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग्स को बुला सकता है, साथ ही साथ वो उनको प्रोग्रेस भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। मान के चलते हैं कि अगर क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या हो रहा है, ज़्यादा हा हल्ला हो रहा है किसी टॉपिक को लेकर, और वो मीटिंग एक सक्सेस नहीं हो पा रही, तो उसको ख़त्म करने का, उस मीटिंग को ख़त्म करने का अधिकार किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में। क्लियर हुआ? और उनको बुलाने का भी अधिकार किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में। आगे हम देखते हैं, ही इन आर्ग्यूड्स द पार्लियामेंट बाय द एड्रेसिंग इट आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस होने के बाद जब गवर्नमेंट चेंज होती है, और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद जब नए एमपीज आते हैं, तो नए एमपीज की पहली मीटिंग जो बुलाई जाती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। उनको एड्रेसिंग कौन करता है? उनका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो ही इन आर्ग्यूड्स द पार्लियामेंट बाय एड्रेसिंग इट आफ्टर द जनरल
इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद जब मीटिंग होती है तो उसको एड्रेसिंग करने का काम यानी कि उनको हेडिंग करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, जो हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है उस फर्स्ट सेशन के अंदर कौन होता है? प्रेसिडेंट मौजूद होता है। आगे हम देखते हैं, नो बिल कैन बिकेम अ लॉज, नो बिल कैन बिकेम अ लॉज विदाउट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी बिल क्या नहीं बन सकता, लॉज नहीं बन सकता। कब तक नहीं बन सकता? जब तक उस पर क्या नहीं होंगे, सिग्नेचर नहीं होंगे किसके? प्रेसिडेंट के। यानी कि प्रेसिडेंट ही क्या करता है, किसी बिल को एक लॉज में चेंज करता है। मान के चलते हैं कि बिल पास कर दिया कहाँ ने, पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट ने बिल को पास कर दिया, लेकिन वो बिल क्या नहीं बना, एक लॉ नहीं बना। वो लॉ कब बनेगा बेटा? जब उसके ऊपर किसके साइन होंगे? प्रेसिडेंट के साइन होंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। यानी कि जो मनी बिल होता है, आप मनी बिल को क्या नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी हाउसेज में। कब? कब तक? जब तक उसके लिए रिकमेंडेशन ना दे। कौन ना दे रिकमेंडेशन? प्रेसिडेंट। यानी कि मनी बिल पेश करने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है? रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। किससे? प्रेसिडेंट से। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, प्रेसिडेंट की टर्म्स क्या है, प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी हैं। उसमें हमने पावर्स के अंदर हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी, उसकी ज्यूडिशियल पावर्स देखी, उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स देखी। तो यह हमारा प्रेसिडेंट वाला टॉपिक यहाँ पर तक कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।